मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा कि बुध देवता राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और जैसे ही बुध का गोचर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में अपनी उच्च राशि में हो जाएगा तो इस मीन राशि वालों को कौन कौन से 6 शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पहली चीज़ तो आपके कुंडली में भद्र योग बन जाएगा और बुध का जो राशि परिवर्तन हुआ है ये 5-6 स्थान से 7वें स्थान में होने जा रहा है। तो पहली चीज, वैवाहिक जीवन में जो जिन लोगों के गड़बड़ी चल रही थी, अगर उनकी मीन लग्न या मीन राशि है तो वह गड़बड़ी समाप्त होगी। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बढ़ना यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, यह राशिफल आप लग्न और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि लग्न क्या है और चंद्र क्या है तो ऐसे में अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस राशिफल को देखिए, उसमें भी सटीकता मिलेगी। दूसरा शुभ प्रभाव ये मिलेगा, अगर आप व्यापारी हो तो व्यापार में ज़बरदस्त तरीके से लाभदायक स्थितियाँ बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। तीसरा शुभ प्रभाव ये पड़ेगा कि मन के भी स्वामी बुध देवता, वैवाहिक जीवन के भी स्वामी बुध देवता, ऐसे बुध देवता जब सप्तम में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह कराने की ये क्षमता रखते हैं। तो अगर प्रेम विवाह करना चाहते हो तो आप प्रेम विवाह कर सकते हो। अगर शादी करना चाहते हो खाली मतलब घर वालों की रजामंदी से तो भी आप शादी कर सकते हो। शादी हो जाने के योग यहाँ पर बने हुए हैं। जिन लोगों की आयु है विवाह के योग्य तो भैया शादी हो जाएगी। जीवन साथी का भरपूर मात्रा में इस समय आपको साथ मिलेगा कार्य क्षेत्र में, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ होना तय है। इसके अलावा जो अगला शुभ प्रभाव आपको मिलने वाला है वो ये है कि आपकी कुंडली में बुध देवता चौथे के मालिक होते हैं, तो कहीं ना कहीं माता श्री का भी सहयोग आपको मिलेगा। माता श्री के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो भी मीन वाले व्यक्ति मकान, वाहन, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी पर निवेश करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं उनके लिए शानदार योग शुरू हो जाएगा। यानी कि इन चीज़ों की प्राप्ति होने के योग यहाँ पर बुध देवता बना देंगे। इसके अलावा जो लोग खेती बाड़ी का किसी भी प्रकार का काम करते हैं, या आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, आपका पार्लर का बिजनेस है, तो उन लोगों के लिए भी ज़बरदस्त समय शुरू हो जाएगा बुध देवता की कृपा से। क्योंकि आपके कुंडली में लग्नेश बैठा है धन भाव पर और बचा खुचा चतुर्थेश बैठ गया सप्तम स्थान में, तो सुख समृद्धि आपको मिलेगी और सभी काम आपके स्वतः ही बनते जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, बुध की नीच दृष्टि आपके लग्न पे है, फर्स्ट हाउस पे है, तो ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का 31, 51, 108 बार जितनी श्रद्धा है आप जप करते रहिएगा, ताकि मानसिक अशांति ना हो। आपके लिए जो दुष्प्रभाव पड़ेगा वो एक ही पड़ेगा कि मानसिक अशांति ये थोड़ा दे सकते हैं, लेकिन काम जबरदस्त तरीके से बनाते हुए बुध देवता नजर आएंगे। कल मिलेंगे, मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।